सोलन शहरी कांग्रेस द्वारा आज उपायुक्त सोलन केसी चमन को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त सोलन को नगर परिषद की पार्किंग व्यवस्था के प्रति अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सोलन की पार्किंग स्थलों की बोलियां लगाती है, जिसकी वजह से शहर की जनता परेशान है, क्योंकि ठेकेदार महंगे दामों पर पार्किंग लेते हैं, वह फिर अपना पैसा पूर्ण करने के लिए सोलन की जनता से मनमानी करते हैं और उनसे मनमाने दाम वसूलते हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वह लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। शहरी कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि उनके द्वारा उपायुक्त सोलन केसी चमन को अवगत करवाया गया कि नगर परिषद अपने पार्किंग स्थलों की कल नीलामी करने जा रही है, इसलिए वह चाहते हैं कि पार्किंगों को महंगे दामों पर ना बेचा जाए, क्योंकि जब पार्किंग महंगे दामों पर जाती है तो उसके ठेकेदार अपना पैसा पूरा करने के लिए दोगुने दाम वसूलते हैं और सोलन की जनता सरेआम लूटी जाती है। नगर परिषद ही ठेकेदारों को जनता को लूटने का लाइसेंस ठेके के नाम पर देती आई है, इसलिए वह चाहते हैं कि पार्किंग की नीलामी पर नगर परिषद पार्किंग शुल्क पहले ही निर्धारित करे और पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क के बोर्ड लगाए जाएं, ताकि सोलन की जनता से अधिक पैसे ठेकेदार ना वसूल सके। वहीं सोलन नगर परिषद के कूड़ा उठाने वाले लोग बिना किसी मास्क व ग्लव्स के पूरे शहर का कूड़ा उठा रहे हैं, जिससे वायरस के फैलने का खतरा और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यह लोग घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि आपसे निवेदन है कि इस विषय पर नगर परिषद को उचित निर्देश दे। जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारी नगर परिषद से संबंधित था, उसको लेकर भी हमने ज्ञापन जो है शहरी कांग्रेस ने डीसी साहब को सौंपा है, वह है जो पार्किंगों की नीलामी कल नगर परिषद में होने जा रही है। हमारा बार बार कहना है कि नगर परिषद जो है एक व्यावसायिक संस्था नहीं है। जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है वो उसे एक व्यापार समझकर चला रहे हैं और उसे एक प्रॉफिटेबल एजेंसी बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि सोलन नगर परिषद सोलन के जो नगर के लोग हैं उनकी भलाई और उनके सेवा के लिए बनी हुई है। आप देखिए कि जो पार्किंग्स हैं, जो 2 या 3 साल पहले 2 और 3 लाख रुपये में जो है नीलाम हो जाया करती थी, आज उसके रेट जो है 16 से 18 लाख 20 लाख 22 लाख रुपए हो गए हैं। तो वो सारा बोझ जो है वो किसके ऊपर पड़ता है? वो सारा बोझ जनता के ऊपर पड़ता है। जो पार्किंग हमें 2 घंटे की 3 घंटे की 10 और 20 रुपए में पड़नी चाहिए, वो आज 30 और 40 रुपए में पड़ती है, ठीक है। और अगर हम पूरा रात वहाँ पर लगाते हैं तो वहाँ पर 100 से 150 रुपये तक भी पार्किंग में हमारे से चार्ज किए जाते हैं। हालाँकि नगर परिषद बोलती है कि 80 रुपये में 8 घंटे आप गाड़ी लगा सकते हैं, पर इसका जो हमने देखा है कहीं पर भी जो है पालना नहीं की जाती है। हमने कई बार नगर परिषद को कहा है कि इसके बड़े बड़े फिक्स बोर्ड जो है हर पार्किंग के अंदर होने चाहिए और जो इन नियमों का उल्लंघन करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल के पास कहीं पार्किंग है या कहीं ऐसी जगहों पे हैं जहां लोग इमरजेंसी में जाते हैं, उन्हें 40-40 रुपए देने पड़ते हैं। मैं कहता हूं इसमें जो पार्किंग के ठेकेदार हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है। जब उन्होंने 16 लाख रुपए नगर परिषद को देने हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से पूरे करने हैं, और वो नेचुरली बात है कि वो पूरे हम लोगों से ही करेंगे जो लोग वहां पर गाड़ी लगाएंगे। अगर इसमें गलती है तो वो नगर परिषद की है। नगर परिषद को नीलामी की जगह जनता की सेवा का समय समझ के, और अपने अगर आपको लगता है कि आपका किसी पार्किंग में 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा है तो आप 10 लाख फिक्स करके उस पर लोगों की पर्ची डलवाइए और फिक्स कर दीजिए कि 10 रुपए जो है आपके घंटे के लगेंगे और 2 घंटे के जो है वो 20 रुपए लगेंगे। इससे आम जन को बहुत सुविधा होगी। मेरी हाथ जोड़कर नगर परिषद से विनती है कि वे जल्द से जल्द ये बात समझ जाए, वरना जो है शहरी कांग्रेस जो है वो उग्र प्रदर्शन करेगी और जो ये धांधलियां चली हुई हैं पार्किंगों के अंदर और लाखों रुपए ऐंठने का काम जो नगर परिषद आम जनता सोलन से कर रही है, इसके खिलाफ जो है वो शहरी कांग्रेस सड़कों पर जल्द उतर जाएगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।